हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नीलम आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर अपनी गार्डनिंग से जुड़ी कुछ बातें और अपना एक्सपीरियंस। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो वास्तु के हिसाब से घर में सुख शांति व समृद्धि लेकर आता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, चिट चैट विद नीलम, और साथ ही में बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो देखिए, ये मेरा सुख शांति का प्लांट है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये। इसकी लंबी लंबी हरी हरी पत्तियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। जितना सुंदर ये पौधा है उतना ही सुंदर इसका नाम है, सुख शांति। और मैंने भी इसको नाम के ही कारण ख़रीदा था। इसको इंग्लिश में जस्टेसिया प्लांट भी कहते हैं। और मैंने अपना ये प्लांट जो है 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर पर इस साल ख़रीदा था ताकि घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहे। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये इतना हरा भरा सा देखने में लग रहा है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और सब लोगों का मानना है कि ये प्लांट घर में सुख शांति प्रदान करता है। और एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अगर हम जब कोई प्लांट घर में लेकर आते हैं, और प्लांट खूबसूरत तो होते ही हैं, सारे प्लांट्स ही खूबसूरत होते हैं, हम उन्हें देखते हैं और देखने से हमारा मन जो प्रसन्न होता है। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है प्लांट को देखकर। तो प्लांट को देखकर हम खुश होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारा परिवार खुश रहता है, और जब हमारा परिवार खुश रहेगा तो सुख शांति समृद्धि तो अपने आप ही घर में आएगी ही आएगी। तो ये प्लांट है, कितना प्यारा प्लांट है कि ये प्लांट हमें घर पर ज़रूर लेकर आना चाहिए। ये वाला जो प्लांट है फ्रेंड, ये गार्डन में हैच के मतलब इससे हैच बनाई जाती है, या फिर बाउंड्री वॉल है वो बनाते हैं इससे, तो बहुत सुंदर लगती है। इसका बॉर्डर बन जाता है क्यारी के आसपास, जो इसका बॉर्डर बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है ये लगाया हुआ। और कोई महंगा भी प्लांट नहीं आता है ये वाला, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम रहती है। और बड़ी आसानी से आप सुख शांति का पौधा मांगेंगे तो बड़ी आसानी से ये नर्सरी में आसानी से आपको मिल जाएगा। और सर्दियों में बस ये है कि इसकी जो ग्रोथ होती है सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है, अदरवाइज़ ये गर्मियों में और मानसून सीजन में तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, अच्छे से बढ़ता है ये। और फिर जब अगर ये बढ़ जाए तो आप इसको अपनी मनपसंद शेप में इसको कट भी कर सकते हो। अब इसको हमें ऐसी जगह रखना चाहिए कि बस इसको सुबह सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, अदरवाइज़ इसको ज़्यादा धूप अगर देंगे, और गर्मियों में तो अगर ये ज़्यादा धूप में रखा रहेगा तो इसकी पत्तियाँ जो हैं पीली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो इसको सुबह सुबह की धूप मिल जाए, उसके बाद इसको इनडायरेक्ट अगर सनलाइट मिलती है तो अच्छा रहता है। और ये प्लांट देखिए, मेरा दीवार के साथ रखा हुआ था तो जिधर से इसको सन डायरेक्ट मिलता रहा है उधर देखिए ये प्लांट जो है उधर की तरफ से ही बढ़ता रहा है, और इधर पीछे देखो बिल्कुल ये वाला प्लांट मेरा ऐसे हो गया है। तो इसको हमें क्या करना है कि रोटेट करते रहना, घुमाते रहना है। सारे ही प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिधर की तरफ से उनको सन फेसिंग मिलती है उधर की तरफ से ही बढ़ते हैं। तो प्लांट को जैसे कि आपकी से अगर रखना है तो दीवार की साइड इस तरफ से कर दो और इधर की तरफ से सन को पड़ने देंगे, तो ये प्लांट जो है इक्वली ग्रो करेगा चारों तरफ से। और इसकी सॉइल की बात करें फ्रेंड, तो ये वाला जो प्लांट है सॉइल भी इसकी वेल ड्रेन चाहिए, ऐसी ना हो कि भाई जिसमें पानी खड़ा रहे, वेल ड्रेन सॉइल बनेगी इसकी जैसे कि हर प्लांट के लिए बनाई जाती है, और मॉइस्चर बस उसमें थोड़ा सा बना रहे, पानी लेकिन बहुत ज़्यादा ना उसमें डालें, मॉइस्चर बस उसमें थोड़ा बहुत बना रहना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो है इन्फेस्टेशन यानी कि डिजीज़ वगैरह की कोई ख़ास प्रॉब्लम होती नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल के स्प्रे से प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है। और अगर हमारा जो प्लांट है ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो ये प्लांट पॉट में फिर इसकी रूट बॉन्डिंग हो जाती है, तो फिर हम इसको निकाल के इसकी रूट्स को ट्रिम कर देंगे और गमले की मिट्टी को चेंज करके दोबारा या तो प्लांट लगा देंगे या फिर इस प्लांट को हम इससे बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये प्लांट फिर और अच्छे से ग्रो करेगा। फर्टिलाइज़र भी फ्रेंड्स, इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, इसको साल में 2 बार फर्टिलाइज़ कर देंगे तो अभी ये प्लांट आसानी से चलेगा। एक तो फरवरी मंथ में जो करते हैं और एक सितंबर में, मैंने भी अभी इसको सितंबर मंथ में ही इसको मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने भी इसको फर्टिलाइज़ किया है। और इसके अलावा तो बस इसको मंथली हम लोग कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं जो वो देते रहेंगे तो ये प्लांट आसानी से चलता रहता है, कोई ज़्यादा आपसे केयर नहीं मांगता, ये वाला प्लांट आसानी से ग्रो करता है। और इसकी अगर हम लोग प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन इसकी जो है वो कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं मानसून सीजन में। इसकी आप कटिंग अगर एक जैसे यहाँ से इसकी कटिंग थोड़ी और इसको अगर हम लगा देंगे सॉइल में तो वो ग्रो कर जाएगी, या फिर इसमें इसमें फ्लावर्स भी आते हैं सर्दियों के टाइम पे, उधर इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, और इसके जो फ्लावर्स आते हैं तो उसमें सीड्स बनते हैं तो वो भी अगर हम लगाते हैं तो वो भी लग जाते हैं,
लेकिन कटिंग से हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सुख शांति प्लांट्स के बारे में, और आप भी लेकर आइए इस प्लांट को नर्सरी से। आप आसानी से इस प्लांट को लगा सकते हैं और अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही अपनी इस वीडियो में। मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट की जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।